गाइस स्वागत है आपका अपना चैनल पैंथल। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी के रिगार्डिंग बात करेंगे। आज जो मैच खेला जाएगा ये मैच खेला जाएगा आपको जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस आपको पुनेरी पल्टन्स के साथ ये मैच खेला जाएगा। दोनों टीम बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, इसलिए गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलने वाला है इस वीडियो में फुली डीपली एनालिसिस। मैच नंबर 96 खेला जाएगा, फर्स्ट मैच होगा 23 नवंबर का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट टेबल की, बात कर लेते हैं जो प्रो वीवो प्रो कबड्डी के पॉइंट टेबल है उसकी रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो वीवो प्रो कबड्डी के पॉइंट टेबल में आप देख सकते हैं कि पुरानी पल्टन ने अभी तक 16 मैचेस खेले हैं, जिसमें 10 मैच जीते हुए 4 मैच इनका लॉस रहा, 2 मैच इनका टाई रहा। बेहतरीन परफॉर्म करके वो एक नंबर पर स्टैंडिंग है। वहीं सेकेंड टीम जो आपको आज के मैच में खेले जाएंगे जयपुर के साथ में, जिन्होंने 15 मैचेस खेले गए, इसमें 10 मैच जीते हुए हैं, 5 मैच इनका लॉस रहा, कोई भी मैच इनका टाई नहीं रहा। गाइज बात करते हैं दोनों टीम के बीच जो हेड टू हेड मुकाबले खेले गए उसकी हम बात कर लेते हैं। तो हेड टू हेड मुकाबले में आप देख सकते हो जयपुर ने 19 मैचेस जीते हुए हैं और 7 मैच पुनेरी पल्टन जीते हुए हैं। 26 मैच में टोटल 19 मैचेस जीते हुए हैं जयपुर की टीम और पुनेरी पल्टन 7 मैचेस जीते हुए हैं। रिसेंट के जो मैचेस की बात करें रिसेंट फॉर्म की, तो रिसेंट के मैच में 5 मैच में 4 मैच जीत के आ रही पुनेरी पल्टन, और वहीं जयपुर की भी टीम जो है 4 मैच जीत के आ रही है, 1 मैच लॉस की है 5 मैच में। तो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है दोनों टीम, काफ़ी अटैकिंग प्ले कर रही है और सब मैच पे अच्छे पकड़ कर रही है। तो गाइस इस वीडियोज़ में आपको डीपली एनालिसिस मिलने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें फाइनल एसएल टीम गाइस आने वाली है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर मिलती है फाइनल एसएल टीम फुली डीपली एनालिसिस के साथ। यहाँ पे बैक टू बैक क्लीन स्वीप है, आप कबड्डी के देख सकते हो, और ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो @panther11abc और ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आती है फाइनल रिजल्ट टीम या मैच से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हमारे टेलीग्राम चैनल को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और गाइस आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करने के लिए सर्च कर लीजिए या पिन कर दिए जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं जो आज के प्रोबेबल प्लेइंग 7 रहने वाली दोनों टीम की, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो प्रोबेबल प्लेइंग 7 में बात कर लेते हैं, जयपुर की तरफ से आज के मैच में जो स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे वो साहुल कुमार स्टार्ट करेंगे, और सुनील कुमार टीम के कैप्टन स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, और अंकुश रहने वाले, रिजा मीरबहगिरी रहने वाले हैं, और वी अजीत कुमार रहने वाले आज के मैच में, और अर्जुन जयसवाल ये भी आज के मैच को स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, और राहुल चौधरी स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। गाइस बात करते हैं आपको पुनेरी पल्टन की तरफ से, सोमवीर स्टार्ट करेंगे, शंकित सावंत स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, और ए नंदराजन स्टार्ट करेंगे, फैजल अटर्ची जो इस टीम के कैप्टन स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, और असलम इनमदार स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, मोहित गोयट रहेंगे, और आकाश सिंधे, ये आज के प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों प्लेइंग 7 दोनों टीमों की रहने वाली है। अब गाइस बात कर लेते हैं आज के मैच में जो आपको पिक करने हैं डिफेंडर से, ऑलराउंडर से, और रेडर सेक्शन में किस प्लेयर को पिक करना उसकी रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर पैंथर्स की, जो डिफेंडर सेक्शन में आज के मैच को सुनील कुमार स्टार्ट करेंगे, बेस्ट परफॉर्मर है अपनी टीम में, इनको ट्राई कर सकते हो, राइट कॉर्नर को कवर करते हुए नजर आते हैं तो अपनी टीम में इनको मस्ट पिक कर सकते हो। अंकुश भी स्टार्ट करेंगे आज के मैच को, तो आप इनको भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, बेहतरीन परफॉर्मर है। सुनील कुमार भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, तो इनको भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ये स्टार्ट करेंगे। बट मैं बोलूँगा दो ही प्लेयर्स को अपने जयपुर टीम की तरफ से डिफेंडर सेक्शन में पिक करना, सुनील कुमार और अंकुश को। अगर चाहे तो सुनील कुमार को भी ड्रॉप करके मैं बताऊंगा किस प्लेयर्स को पिक करना है, बाकी जो रिमेनिंग सब्स्टिट्यूशन से प्ले करेंगे उनको ड्रॉप कर देना। ऑलराउंडर सेक्शन से बात कर लेते हैं आपको, भी अजीत कुमार जो स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, बट यहाँ पर मिलवर के भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, तो इनके रिजा को तो आप इनको भी अपने टीम में चाहिए तो ट्राई कर लेना, मस्ट पिक होने वाले सभी के, तो आप अपनी टीम में इनके साथ चले जाना जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से जो रेडर्स ये रहने वाले हैं। अब बात करते हैं रेडर्स सेक्शन में, तो आपको ए दसवाल दिख जाएंगे, तो ए दसवाल अच्छे रेडर्स हैं इस टीम के, हर मैच में अच्छा परफॉर्म किए हैं, अच्छा इनका टैकल, इनका रेड टच बहुत बेहतरीन रहा है, हर मैच में बोनस लेते हैं, लंबे कद के हैं, अटैकिंग प्ले करते हैं, और बेहतरीन परफॉर्म रहा है इस बार पिंक पैंथर्स की तरफ से, मेन रेडर्स हैं, तो अपनी टीम में इनको ट्राई कर लेना। बाकी जो इनके बैकअप के लिए राहुल चौधरी है, तो राहुल चौधरी जो बेंच से सब्स्टिट्यूशन से भी प्ले करते हैं और मोस्टली अटैकिंग जो खेलते हैं वो ए देसवाल ही खेलते हैं, तो अपनी टीम में उनको ही ट्राई करना। अब गाइस बात कर लेते हैं आपको पुनेरी पल्टन की तरफ से, जो आज के मैच में डिफेंडर सक्सेस में दिख जाएंगे, फजल अटर्ची जो टीम के कैप्टन है बेहतरीन डिफेंडर है, राइट कॉर्नर को कवर करते हुए नजर आते हैं, और हर मैच में इनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है, हर मैच में टैकल करते हैं, अटैकिंग प्ले करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो समवीर भी कभी कभी ज़्यादातर सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, और वहीं सावंत भी हो सकता है लास्ट में जो स्टार्ट किया था, बट आज के मैच में इनको ये स्टार्ट नहीं करे, कोई और स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। ए नंदराजन अच्छे ऑप्शन है आपके लिए, कम क्रेडिट में अवेलेबल है, क्रेडिट
इशू आज के मैच होने वाले हैं, तो क्रेडिट मैनेज के लिए ए नंदराजन अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। मस्ट पिक इनको कर लेना, पंट पिक भी हो सकते हैं आज के। और ऑलराउंडर सेक्शंस की बात कर लेते हैं तो आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिख जाएंगे, जो इधर से आपको एक प्लेयर सिर्फ है खत्री, खत्री को आप चाहिए तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज इनके ऑलराउंडर्स को ड्रॉप कर देना, किसी भी ऑलराउंडर को मत लेना। रेडर सेक्शन से बात करते हैं तो रेडर सेक्शन में आपको एम गोयट दिख जाएंगे, जो ये आपको स्टार्ट करेंगे, बहुत अटैकिंग खेलते हैं, सभी मैच में ये रेड कर रहे हैं और आपको पुनेरी पल्टन की तरफ से बेहतरीन परफॉर्मर है, तो अपनी टीम में मस्ट पिक करना, क्योंकि ये ज़्यादातर अगर कोर्ट पे रहते हैं तो फुली रेड करते हुए रेड यही करते हैं और मेन रेडर ये हैं, तो अपनी टीम में इनको ट्राई कर लेना। बाकी जो इनामदार है, इनामदार भी अच्छे ऑप्शन है बैकअप के लिए, क्योंकि अगर एम गोयट अगर ऑन द कोर्ट पे नहीं होते हैं तो ए इनामदार बैकअप के लिए अच्छे खासे ये भी परफॉर्म करते हैं, तो अपने टीम में ए इनामदार को भी ट्राई कर सकते हो। ए सिंधे की बात करें, इनको कम चांसेस मिलता है, ड्रॉप करके चलना, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको भी ड्रॉप कर देना। अब गाइज बात करते हैं, सेट टीम प्रीव्यू की बात कर लेते हैं, तो सेट टीम प्रीव्यू से पहले आपको बता दें गाइज, आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना और बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। ज्वाइन करने के लिए सर्च कर लीजिएगा @panther11abc और ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, या आपको कमेंट सेक्शन में यह लिंक पिन किया हुआ मिलेगा, या भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। और गाइस, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल के पेज से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। अब गाइस बात कर लेते हैं सेट टीम प्रीव्यू की, तो सेट टीम प्रीव्यू में आप देख सकते हैं मैंने डिफेंडर सेक्शन से तीन प्लेयर को पिक किया है, मैंने फजल एटर्ची को पिक किया है, टीम के कैप्टन है, और इन नंदराजन 11 क्रेडिट में अवेलेबल है, टिकटार ऑप्शन है, आप अपनी टीम में इनको मस्ट पिक कर सकते हो। वैसे भी आज के मस्ट पिक होने वाले हैं, क्योंकि क्रेडिट मैनेज के लिए अच्छे ऑप्शन है आपके लिए, और अंकुश को मैंने टीम में ट्राई किया, अंकुश अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि ये हर मैच में अच्छे खासे टैगल करते हुए नजर आते हैं। अब गाइस बात करते हैं, मैंने ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने एक प्लेयर्स को लिया है, मीरबग्गी गिरी को लिया हुआ, जो ये अच्छे ऑप्शन है आपके लिए और कम क्रेडिट में भी है, तो आप इनको ट्राई कर लेना। रेडर सेक्शन में मैंने तीन रेडर्स के साथ जा रहा हूँ, ए देसवाल को मैंने एज ए कैप्टन ट्राई किया हुआ है, क्योंकि अटैकिंग खेलेंगे, फुल्ली रेड्स करते हुए नजर आते हैं, और एम गोयट को मैंने वी से ट्राई किया हुआ है, क्योंकि ये अपनी टीम से फुल्ली रेड करते हुए नजर आते हैं, तो अपनी टीम में मैंने कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी इन दोनों के साथ गया हो, ए दसवाल और एम गोयट के साथ। ए इनामदार की बात करते हैं, ए इनामदार एम गोयट के लिए अच्छे बैकअप है, तो मैंने इनके साथ चला गया हुआ। वैसे ये हमारी सेट टीम, आप भी इनको सेट करके रखिए, और फाइनल टीम गाइस जो आएगी हमारे ये टेलीग्राम चैनल पे आएगी, जिसको ज्वाइन करने के लिए सर्च कर सकते हो @panther11abc और ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आने वाली है फाइनल एसएल टीम, या मैच से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। या आपको, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप योर सपोर्ट विद पैंथर 11।